नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। भारत नहीं करेगा पाकिस्तान के साथ सीमा पर व्यापार। भारत ने पाकिस्तान के साथ सीमा पर व्यापार को निलंबित कर दिया। पाकिस्तान लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने में बाज नहीं आ रहा, यही कारण है भारत ने सीमा पर व्यापार को बंद करके पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। आपको बता दें, पाकिस्तान द्वारा की गई इस फायरिंग में चकदाबाग में ट्रेड फैसिलिटी सेंटर को गंभीर रूप से क्षति पहुंचाई है। इससे पहले पाकिस्तान द्वारा की जा रही फायरिंग के बाद सोमवार को पुंछ से पाकिस्तान जाने वाली रावलपुर बस सेवा को रोक दिया गया। एएससी अधिकारी के अनुसार भारतीय व्यापारियों द्वारा मंगलवार को चकदाबाग में ट्रक भेजे गए, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने गेट नहीं खोला। कुछ देर इंतजार के बाद हम वापस लौट आए। इतना ही नहीं, हथियारों की तस्करी के भी कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कई हथियार तो बरामद भी किए गए हैं। हथियारों में एक चीनी पिस्तौल, दो पिस्तौल मैगजीन, 14 राउंड पिस्तौल गोलियां, 4 AK-47 की मैगजीन, 120 AK गोला बारूद और दो चीनी हथगोले बरामद किए गए। दोनों देशों के बीच 2008 से व्यापार शुरू हुआ था और तब से इसमें लगातार उतार चढ़ाव आते रहे हैं। अगस्त 2016 में पाकिस्तान ने बिना कोई कारण के ही व्यापार को रोक दिया था। कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए ये कदम उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत गलत साबित हो सकता है। ऐसी ही न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।